विकास छात्र संगठन स्थापना दिवस के आयोजन में यातायात को सुचारू रूप से बनाने में प्रशासन, नागरिकरण एवं युवा साथियों की भूमिका। कटनी शेर चौक से स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर ग्राउंड में आज जिला विकास छात्र संगठन दिवस के अवसर पर यातायात को लेकर कार्यक्रम रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि कलेक्टर प्रियंत मिश्रा थे, मगर किसी प्रशासनिक कार्य के चलते वह उपस्थित नहीं हो सके। उनकी अनुपस्थिति में CSP शशिकांत शुक्ला ने यातायात के टिप्स देकर युवा छात्रों को एवं वार्ड वासियों को समझाइश देते हुए बताया कि SP मयंक अवस्थी के निर्देशन में यातायात सड़क सुरक्षा के द्वारा बाइक रैली निकालकर जनता को जागरूक कराया जाता है कि हेलमेट कितना जरूरी है, मोटरसाइकिल रैली निकालकर लोगों में समझाइश दी जाती है कि यातायात में सावधानी रखें, मोबाइल फोन का गाड़ी चलाते समय इस्तेमाल न करें, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग करें और कम स्पीड पर चलें, जिससे दुर्घटना कम होगी, एवं नशा करके गाड़ी न चलाएं। यह सारी बातें बाइक रैली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कराया जाता है, उसके बावजूद भी जनता इन सब चीजों की अवहेलना करती है, जिससे दुर्घटनाएं घटित होती हैं। अपने उद्बोधन में पूर्व विधायक सुनील मिश्रा ने भी यातायात के विषयों में अपनी राय रखते हुए समझाइश दी। चाहती हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, युवाओं की बातों को वो आगे लेकर आए हैं और उसका सलूशन भी वो लाए हैं, तो वो डिजर्व करते हैं कि हम उनके लिए क्लैप, जोरदार क्लैप उनके लिए दें। आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि हम कटनी शहर की समस्याओं को यहाँ पे डिस्कस करें और इसका सलूशन ढूंढें। तो मैं आपसे क्या कहूँ, कटनी शहर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो न जाने कितनी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो आप पानी की ले लें, चाहे वो आप धूल की ले लें, चाहे वो आप गड्ढे की ले लें, चाहे वो आप यातायात की ले लें, ऐसी तमाम ऐसी समस्याएं हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2021 से काफी पीछे हम जा चुके हैं, हमारा जो विकास है वो पीछे चला गया है, हमें उतना डेवलपमेंट हासिल नहीं हो पाया है। आज अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2014 में हमारे नगर निगम चुनाव हुए थे, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि डेवलपमेंट के नाम पे 5 सालों में आप सबने क्या पाया है, क्या पाया है आप सबने? गड्ढे, कुछ नहीं, गड्ढे पाए हैं हमने, पाए हैं ना, टिक पाए हैं हमने, धूल पाई है हमने, ये हासिल किया है हमने। जी, आज जिला विकास छात्र संगठन को खुले हुए 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसका हम लोगों ने स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया है और साथ ही साथ यातायात दिवस का भी कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। शहर में बहुत से आज से 3 वर्ष पूर्ण ही हमारे संगठन ने मेडिकल कॉलेज के लिए ज्ञापन सौंपा था माननीय SDM पर। ज्ञापन सौंपना हमारा एक मकसद नहीं है, ज्ञापन तो हमारे संगठन द्वारा बहुत से सौंपे गए हैं, हमारा मकसद यह है कि जो भी मांग हम छात्रों की है, कटनी जिले के छात्र छात्राओं की जो भी मांग है वो मांग पूर्ण, जैसे अभी लॉकडाउन के समय पर स्कूल फीस की मुहिमें चलाई गई थी, जिसके द्वारा जिला विकास छात्र संगठन द्वारा निरंतर जिला शिक्षा अधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया था और स्कूलों की ट्यूशन फीस कम भी कराई गई थी। संगठन द्वारा हर 6 माह में रक्तदान शिविर का आयोजन कराया जाता है और अभी 3 वर्ष हुए हैं, अगर आप सभी का आशीर्वाद रहा तो अगले वर्ष हमारे जो उद्देश्य हैं जिला विकास छात्र संगठन के उद्देश्य, जैसे कि हमारा जो भी पीड़ित छात्र छात्राएं हमारे भाई बहन हैं उनकी मदद करना सबसे हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य है। उसके बाद कटनी जिले पर नर्मदा कैनल का पानी, जिससे यहाँ पर पानी की समस्याओं का हल हो। कटनी जिले में छात्रों के लिए मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाना, भूमि पूजन कराना एक अलग चीज़ है, खोलने में बहुत फर्क होता है, तो हमारा भूमि पूजन का आयोजन है। हम एक छोटे से कटनी जिले पे हमको ये चीज़ कार्यक्रम खुलवाना है, ये कॉलेज खुलवाना है। सिर्फ अगर एक कुल मिला के अगर अपनी बात छोटे से खत्म करूं 2 शब्दों में, तो जो भी छात्र किसी भी संगठन के हों, वो छात्र हमारे भाई बहन, अगर उनकी पढ़ाई में या आर्थिक जीवन में कोई भी समस्या है, उसके लिए जिला विकास छात्र संगठन हमेशा तत्पर है। आपका नाम? शुभ प्रकाश, जिला विकास छात्र संगठन। सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने पर ये गोष्ठी का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है।
इस गोष्ठी का मुख्य मकसद है हमारे संगठन के सदस्यों का, प्रशासन का आपस में समन्वय कराना। जो हमारी समस्याएं हैं वो प्रशासन समझे, उस पर बेहतर कदम उठाए और समन्वय बना करके हमारे संगठन के सदस्यों को साथ में लेकर शहर की जो भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उसके लिए अपना काम कार्यक्रम के लिए दो शब्द। मेरा नाम रौनक खंडेलवाल है, मैं जिला विकास छात्र संगठन का संरक्षक। हमारे छात्र संगठन को खुले हुए 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य पे एक यातायात गोष्ठी का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। इसके लिए आज के मुख्य अतिथि माननीय कलेक्टर महोदय एवं पुलिस शिक्षक अधीक्षक थे, लेकिन कुछ ही व्यस्तता के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाए। इसके लिए श्रीमान एसपी महोदय शशिकांत शुक्ला जी को भेजा गया है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे सभी लोग और मेन हमारा यातायात मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे के अनुसार कटनी जिले की जो भी समस्या, क्योंकि कटनी जिले में हम रहते हैं तो ये हमारा शहर है, इसको हम लोग हल करना चाहते हैं। इसी के विषय में अध्यक्ष महोदय ने आप लोगों को जानकारी दी और मैं इसमें समस्त मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन लोग यहाँ पे आकर के 2 मिनट का मौन समय दिए। एक बार मीडिया महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। कुशल प्रकाश जी।